तो जयपुर बीजेपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। ये बड़ी खबर, और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि दावेदारी थी उनकी नेता प्रतिपक्ष की, लेकिन उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई और अब प्राथमिक सदस्यता से आपको बता दें कि उन्हें निष्कासित किया गया है। ये जयपुर से बीजेपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है, और आरोपी पर पार्टी ने ये जो है सोकोज नोटिस जारी किया है, और साथ ही मामला अनुशासन समिति को सौंपा गया है। इधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि स्वागत है, मैं फेस करूंगा और इस मामले में लड़ाई लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी के उम्मीदवार को भारी वोटों से हराऊंगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के लिए कहीं ना कहीं यहां से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब भाजपा के विरोध में यहां पर वो खड़े होंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाजपा के दावेदार को मैं भारी वोटों से हराऊंगा, तो एक तरीके से मुखर हो चुके हैं मेघवाल, और ये बड़ी खबर, क्योंकि दूसरी तरफ पार्टी ने भी प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निष्कासित कर दिया है। आरोपों को लेकर नोटिस जारी किया गया भाजपा की तरफ से, साथ ही मामला जो है वो अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। तो इस पर पलटवार करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा है कि वो इस नोटिस का स्वागत करते हैं। और सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। विष्णु, बड़ी खबर यहां पर यह है कि भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निष्कासित किया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं स्वागत करता हूं नोटिस का, लेकिन मैं आगे लड़ूंगा और राजनीति जो है उनकी जारी रहेगी। बिल्कुल अंकुर, ये बड़ी घटना है बीजेपी के लिए। अपन कह सकते हैं कि राजस्थान बीजेपी में एक बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है, जहां पहले कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप लगाए थे और उसके बाद पार्टी की ओर से नोटिस दिया गया था, जवाब मांगने के लिए समय दिया गया था। हालांकि मेघवाल का जवाब तय समय पर लिया और आज उन्होंने पार्टी को जवाब देने के साथ ही सार्वजनिक रूप से उन आरोपों का जवाब दिया, और उसको लेकर जब ये आरोप लगा रहे थे कैलाश मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल सहित पार्टी के अन्य नेताओं पर, उसी समय बीजेपी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता है पार्टी की उससे सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, और साथ ही शोकोज नोटिस यहां पर जारी किया और साथ ही जवाब मांगा गया, और जो मामला है पूरा मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया। अब इससे ये लगता है क्योंकि मेघवाल जहां तीखे तेवर है तो वही पार्टी की ओर से भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि मेघवाल को न केवल पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया बल्कि उन्हें हटाया भी जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि लगातार मेघवाल जवाब दे रहे थे और उन्होंने अभी आज भी लगातार आरोप लगाए न केवल अर्जुन राम मेघवाल के बल्कि यहां पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उन पर आरोप लगाए, साथ में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी है वो आयातित नेता है, यानी पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद बीजेपी में आए, वो उन्होंने आरोप लगाए। साथ ही राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाया कि जनता दल के नेता थे और यहाँ बीजेपी में शामिल हुए और आज सब कुछ हो गए। साथ ही एक बड़ा मामला उन्होंने और ये बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनकी कैलाश मेघवाल की यहाँ बीजेपी में अनदेखी की जा रही है, लगातार अनदेखी की जा रही है। हालांकि जब उनसे पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं कहा ये बात अलग है, लेकिन लगातार अनदेखी की जा रही है और उनके समर्थकों को एक एक करके निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो ऐसे में उन्होंने खुलकर आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, शाहपुरा से चुनाव लड़ेंगे, और लगातार दावा कर रहे हैं कि वो अभी फिलहाल कांग्रेस में नहीं जाएंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसको हराएंगे। उन्होंने दावा किया जब उन्हें कहा गया कि उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई है, तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से कैंडिडेट को हराने के लिए काम करेंगे। कुल मिला के ये कि राजनीति में लगातार आया, जो कल तक यहाँ बीजेपी के कई पदों पर रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, राजस्थान में मंत्री रह चुके, साथ ही यहाँ अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यानी बीजेपी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा कि मैं वरिष्ठ नेता था, मेरे लगातार अनदेखी की गई, पुरानी जो यात्राओं को उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्राओं में मैं वहां जाऊं, मेरे पास जिम्मेदारी थी, इस बार एक भी यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया, तो इससे साफ है कि मेरी अनदेखी की जा रही है। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लिहाज से मैं 1968 से लगातार राजनीति में हूँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेरी अनदेखी पार्टी को नहीं करनी थी, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये
भारी पड़ेगी पार्टी को, उन्होंने चेतावनी दी थी और तमाम बातें हैं। हालांकि उनसे कहा गया कि उम्र के हिसाब से 70 साल से ऊपर ज्यादा जो लोग हैं उनको टिकट देने के लिए पार्टी की ओर से गाइडलाइन आई हुई है, तब उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गाइडलाइन नहीं है, जो जीतने वाले उम्मीदवार है चाहे 90 साल का हो चाहे 86 साल का हो उनको सबको टिकट दिए जाते हैं। तो उसी के तहत मुझे भी टिकट पिछले बार दिए गए थे, तो अब ऐसा क्या है? इन तमाम बातों के सवाल अपनी जगह है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी की ओर से कार्रवाई की गई है और अब लगातार ये मामला सियासी हलकों में चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम यह हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, ये बड़ा घटनाक्रम भाजपा में घटित हुआ, जिस तरीके से गंभीर आरोप जो यहाँ पर कैलाश मेघवाल की तरफ से लगाए गए हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया गया, और साथ के साथ जो उन्होंने बड़ा नाम लिया है यहाँ पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, कि उनको और उनसे जुड़े हुए समर्थकों को जो है टारगेट किया जा रहा है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन उनके जो आरोप है अभी पिछले कुछ दिनों जिस तरीके से भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री और जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, उनकी जो जनसभाएं हुई उसमें तो सीधे तौर पर जो है वसुंधरा राजे को प्राथमिकता दी जा रही थी, हर जगह वो आगे लीड कर रही थी। परिवर्तन यात्रा की बात की जाए तो परिवर्तन यात्रा में भी सबसे पहली जो यात्रा शुरू हुई वो उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुई, तो ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं तस्वीरें तो उससे उलट नजर आई। बिल्कुल, ये पूछा था अंकुर, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो चारों यात्राएं परिवर्तन यात्राएं जब रवाना हुई यहाँ राजस्थान में भी, अभी जो हाल ही रवाना हुई 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से भी, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनका भाषण हुआ। इसके अलावा दूसरी जो भुवनेश्वर से यात्रा रवाना हुई वहां भी वसुंधरा राजे मौजूद थी, और उसके अलावा तीसरी जो परिवर्तन यात्रा उसमें मौजूद थी, और चौथी परिवर्तन यात्रा में भी वो थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो था, हालांकि उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर नहीं आ रही, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आरोप इन्होंने कैलाश मेघवाल की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों का जवाब पार्टी के नेता है वो क्या देते हैं वो बात होगी, अभी उनसे भी बातचीत की जाएगी, तमाम जो आरोप लगाए हैं। ठीक है विष्णु, तो आरोपों के जवाब अब पार्टी की तरफ से क्या आते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार को अभी ये मुद्दा बन गया मिल गया है कि गुटबाजी जो है बीजेपी में भी साफ तौर पर खुल के सामने आई है, तो अब सरकार जो गहलोत सरकार है उनके मंत्री है वो किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बनाते हैं वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। चलिए विष्णु, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।